वही भरोसो मो। अरे मैया दुर्गे तो सो मेरे मेरी आदि भवानी दुर्गे मैया तो सो मेरे मेरी आदि भवानी राखो सबा दोस्तों गौर करते महाराज परीक्षित के बारे में। श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को कैसे श्राप दिया, तो आइए गौर करते हैं। जैसा कि बताया भागवत में, अभिमन्यु तो युद्ध में मारे गए थे, इनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ से जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, और उसके बाद में परीक्षित आंगन में धीरे 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 जब बड़े हुए, और परीक्षित का जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में बताया तो ये जाता है कि महाराज परीक्षित के घर में चार पुत्र हुए। उसके बाद एक दिन कन्हैया ने
पांडवों से एक बात कही है, देखो द्वापर का अंत चरण है, कलयुग आने वाला है और अब हम इस जगह पर नहीं रुक सकते। तो पांडव कहने लगे, प्रभु जब आप चले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, आप हमें भी कोई उपाय बता। तो भगवान श्याम सुंदर ने एक बात कही, तुम ऐसा करो पांचों पांडव हिमालय के लिए चले जाओ। तो परीक्षित को राजा बनाने के बाद में पांचों पांडव जो थे ये हिमालय को चले जाते हैं द्रौपदी को साथ में लेके। और इधर कि अस्तु परीक्षित लाल को अरे देखी सब अधिकारी गए हिमालय के लिए पांचों पांडव कुमार। परीक्षित को राजा बनाने के बाद में जब पांचों पांडव चले जाते हैं तो वो समय कौन सा था जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय में गलने के लिए गए थे, वो समय कौन सा था? आई कि द्वापुरी का अंत समय था वो और कलयुग की बारी आई थी। ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए को राजा बनाने के बाद में जब ये वहां से चले जाते हैं, धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ, महाराज परीक्षित आंगन में जब रह रहे हैं महलों में, और महाराज परीक्षित के राज्य में सब लोग बड़े आनंद से रहते हैं, बड़े अच्छे राजा थे। एक दिन महाराज परीक्षित के दिमाग में एक बात आई, चलो आज हम शिकार खेलने चलते हैं। और महाराज परीक्षित ने देर नहीं की, अश्व सजवाया और अश्व सजवाने के बाद में महाराज परीक्षित जब वहां से चले, हुआ क्या? अरे सैया तो नवल देखो, चलो ऐसे सैया तो नवल देखो, चलो I'm not afraid.
पत्नी ने जब देखा, अरे नारी नवल दे चली यार पी लेके आई, तो मुख दीपक जार थाल सोने को लाई रे। नारी नवल दे चली यार पी लेके आई, तो मुख दीपक जार थाल सोने को लाई रे। बढ़ते हुए गए हैं और जब ये जंगल में पहुंचे हैं तो इन्होंने क्या देखा है कि सामने से एक हिरन भागता हुआ जा रहा है। लेकिन वो हिरन भी क्या था, कभी तो दिखाई पड़ जाता है, कभी नजरों से ओझल हो जाता है। और भागते चले गए महाराज परीक्षित, कुछ और आगे बढ़े हैं तो इन्होंने कुछ और देखा, एक दूसरा दृश्य इनके सामने आया है। क्या कराई लगे दुखियारी, अकेलता ते शिकार रे दबन में नजर पसारी। देखा कि सामने से एक गाय भागती हुई चली आ रही है और उस गाय के पीछे एक बैल है, उस बैल के पीछे एक काला करूप इंसान है जिसके हाथ में मुगदर है। गाय और बैल के ऊपर जब उसका मुगदर पड़ता है तो सारा भूमंडल हिलने लगता है। महाराज परीक्षित खड़े के खड़ी रह गए। ऐसा लगता था कि वो गाय कुछ कह रही थी,
परीक्षत ने जैसे ही देखा ये शिकार खेलना तो भूल गए, तलवार हाथ में निकाल ली और सामने पहुंच गए। जवाब दिया दुष्ट, यहां से अर्जुन चले गए तो ये समझ लिया कि कोई धनुषधारी नहीं रहा, लेकिन तुझे नहीं मालूम अर्जुन का अंश तेरे सामने खड़ा है और तूने इस गाय के ऊपर जो हाथ उठाया है हम तेरे साथ कोई नहीं रखेंगे। हिंदू धर्म में जिस गाय की पूजा होती है और तूने उसी गाय के ऊपर हाथ उठाया, तलवार खींच ली परीक्षित ने, ऐसा ही नहीं, अरे तेगा तो उठायो समझ लिया कि कोई धनुषधारी नहीं रहा, लेकिन नहीं मालूम है अरे कहीं जो समय आए शरम तो नेक न आई और गाय हमारी मात्रा हो तब हाथ उठाई रे, कहीं जो समय आए शरम तो नेक न आई गाय हमारी मात्रा करो हाथ परीक्षित ने, तूने इस गाय के ऊपर जो हाथ उठाया है तेरे हम इस हाथ को नहीं छोड़ेंगे। महाराज परीक्षित ने जब तलवार उठाई है तो बैल के भेष में जो धर्म थे वो आगे सामने कहने लगे, महाराज
आप इन्हें गाय समझ रहे हैं लेकिन ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी है। आप हमें बैल समझ रहे हैं लेकिन मैं बैल नहीं हूं। संसार में लोग हमें धर्म कहते हैं। ये जो काला करूप इंसान है, हाथ में मुगदर है, ये कलयुग है। महाराज अभी तो कुछ नहीं हुआ, कुछ समय बीतने के बाद में ये कलयुग में सब कुछ ही बदल जाएगा। कोई भी रिश्ता दिखाई नहीं पड़ेगा, पिता पुत्र का, मित्र मित्र का, पति पत्नी का, भाई भाई का। और महाराज परीक्षित ने जब ये सुना है, ये खड़े के खड़े रह गए। बोले ऐसा कलयुग में क्या होगा? तो धर्म समझाते हुए बोले, महाराज अभी तो कुछ नहीं हुआ लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में परीक्षित को समझाते हुए बोले हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ये सब कुछ बदल जाएगा। जवाब दिया महाराज, अभी तो कुछ नहीं हुआ लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में ये सब कुछ ही बदल जाएगा। कोई भी रिश्ता दिखाई नहीं देगा, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, अगर एक नाम लेता होगा तो दूसरा देख करके उसकी मजाक उड़ाएगा। किसी भी जगह पर गुरु का सम्मान नहीं होगा। और महाराज परीक्षित ने जब इतने शब्द सुने तो एक बात सोची कि कलयुग में इतना बड़ा अत्याचार।
सोचा है कि हम इस कलियुग को ही नहीं रखेंगे, और जब हम इस कलियुग को मार देंगे दोबारा फिर से सतयुग आ जाएगा, चारों तरफ धर्म ही धर्म दिखाई देगा। तलवार हाथ में निकाल ली और जवाब दिया, कलियुग हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, लेकिन माफ करें, अब थोड़े विचार बदल गए। धर्म ने जब उस समय समझाया था वही बातें आज सामने आ रही हैं, अब थोड़े विचार बदल गए। माफ करें कलियुग, ये किसी से कहने नहीं आता है, तुम ऐसे नहीं ऐसे चलो, लेकिन फिर भी विचार बदल गए। दो लाइनें लिखी हमारे बड़े भ्राता श्री ने, बदल गए थोड़े विचार। अब साचिन की कदर ना झूठन के सतका, बदल गए। अब साचिन की कदर ना झूठन के सतकार, काऊ को न लेके देवे बात कहें होशियार, सीधे सादे भोले वाले उनसे लोग कहे गमार, साहब बतावे चोर चोर बने साहूकार। चारों ही बरड़ निज धर्म से भय छीन, सप गयो तेज गयो बुद्धि है गई मलीन। समझा रहे हैं लेकिन थोड़े विचार बदल गए। और महाराज परीक्षित ने हाथ में तलवार उठा ली, जवाब दिया, कलियुग तुम्हारे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है, गुण नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसलिए हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो कलियुग ने सोचा अब क्या करें, अब लगता है अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। सामने पहुंच गया और जवाब दिया, महाराज आपको कैसे मालूम है कि हमारे अंदर अवगुण ही अवगुण है? और फिर छोड़ो, गुण और अवगुणों की अगर आप बात कर रहे हो तो ये गुण और अवगुण तो हर किसी के अंदर है। आप किसी को भी देख लो कि राजन दुनिया एक सी नहीं, और ताने के अंदर गुण भी है, हर एक चीज पे गौर करो, हर एक चीज पे गौर करो तो गुण भी है अवगुण भी है। हर एक चीज पे गौर कर तो गुण भी है अब गुण भी है। जवाब दिया महाराज, ये गुण और अवगुणों की अगर आप बात कर रहे हो तो किसी के अंदर देख लीजिए, ये गुण और अवगुण तो हर किसी के अंदर होते हैं। अगर किसी में तुम्हें अवगुण ही अवगुण दिखाई पड़ते हो तो छिपा हुआ उसमें एक न एक गुण जरूर होगा, और अगर किसी में तुम्हें गुण ही गुण दिखाई पड़ते हो तो छिपा हुआ एक न एक अवगुण जरूर होगा। महाराज परीक्षित कहने लगे, कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे अंदर गुण है? और तब तक धर्म सामने पहुंच गए। जवाब दिया, महाराज हमें तो ऐसा दिखाई देता है कि इसके अंदर गुण तो है ही नहीं, झूठ बोलता है। महाराज कि
के पाप होए है कलयुग मेरे राजा ने पाप होए है कलयुग मेरे राजा ने धर्म दी हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं कि जब धर्म ने समझाया है कि महाराज बहुत ही अत्याचार होगा कलयुग में, तो कलयुग सामने पहुंच गया। महाराज परीक्षित के नजदीक जाके एक बात कही है, महाराज मैंने कहा नहीं घोड़ों और अवघोड़ों की अगर आप बात कर रहे हो तो ये घोड़ और अवघोड़ तो हर किसी के अंदर है, आप किसी को भी देख लीजिए। और कलयुग समझाने लगा, महाराज मैं बताऊं तुम्हें, कस्तूरी में है दोष जो
बरंगनाई लाई है सोना में है तो सुजो सुगंध नहीं लाओ है और राम में है तो सुजो सुपड़ खा की नाक कटाई रावण में है तो सुजो सीता को हर लाओ है अहिल्या में है तो सुजो इंद्र संग भोग किया और इंद्र में है तो सुजो चोरी से घुसिया है अरे महाराज फिर तुम काहे को पागल बने और एक एक तो सुहरि ने हर एक में लगाओ है। जवाब दिया महाराज ये घोड़ा और अवगुण तो हर किसी के अंदर होते तो महाराज परीक्षित समझाते हुए कहने लगे कलियुग तुम सारी बातें छोड़ो तुम हमें बताओ कि तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा गुण कौन सा है। तो कलियुग कहने लगा महाराज मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे अंदर कौन सा गुण है कि कलियुग के बलना मोय धारा जवाब दिया महाराज महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्षों तक तपस्या किया करते थे लेकिन फिर भी भवसागर से पार नहीं होते थे और हमारे राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सारे दिन काम करो ज्यादा नहीं अगर थोड़ी देर भी बैठ करके सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा का नाम ले लिया तो भी वो भी भवसागर से पार हो जाता है। और बताएं सतयुग त्रेता द्वापर में अगर तुमने किसी के प्रति अपने हृदय में गलत कुछ सोच लिया तो वो मनसा पाप लग जाता था लेकिन मेरे राज्य में ऐसा कुछ नहीं है। तुम कितना भी सोचो लेकिन मनसा पाप नहीं लगेगा। कब तक? जब तक तुम उस बात को किसी दूसरे से कहोगे नहीं। और बताएं जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने सतयुग त्रेता द्वापर को रचा है और उस तरीके से हमें भी बनाया है अगर आपने हमें मार दिया तो फिर ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी और फैसला आपके हाथ में है मारना है या फिर छोड़ना है। और महाराज मैं तो कुछ नहीं करता मैं किसी से ये कहने के लिए नहीं जाता हूं कि तुम ऐसे नहीं ऐसे चलो लेकिन बात केवल ये है खुदाई करे खोटी करनी कलियुग को दोष लगाए मैं किसी से कहने नहीं जाता तुम ऐसे नहीं ऐसे चलो लेकिन खुदाई करे खोटी करनी कलियुग को दोष लगाए कलियुग ने समझाते हुए जवाब दिया मैं कुछ नहीं करता क्योंकि मैं सच में बताऊं मैं कलियुग भी हूं और करियुग भी हूं इसलिए अब क्या बताएं 60 साल के ब्याह कावे ले वे मुंह झमुड़ा काम का काउ जगह कान के ले जाता है कि तुम बुढ़ापे भी आओ करी 60 साल के ब्याह कावे ले वे मुंह झमुड़ा भारत क्यों
फैसला आपके हाथ में है, आप हमें मार रहे या फिर छोड़ रहे हैं। तो महाराज परीक्षित ने यह सुना कि जब कलियुग को मारने से ब्रह्मा जी की आन टूटेगी, तो एक बात कही कलियुग, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। कलियुग कहने लगा, बस महाराज यही तो मैं चाह रहा हूं, आप तो मानेंगे, लेकिन एक बात है। क्या? तुम्हारी जगह नहीं रहोगे। कहां रहेंगे? बोले हम तुम्हें जहां पर जगह बताएंगे तुम उसी जगह पर रहोगे। तो कलियुग कहने लगा, महाराज कोई बात नहीं, आप हमें जगह बता दीजिए। तो महाराज परीक्षित में जाते हुए बोले, कलियुग मैं तुम्हें बताऊं कि जिस जगह जुआन की बाजियो और झूठी गपोलियां चलती हो, समझाते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें जगह बता रहा हूं, जवाब दिया है। जिस जगह पर वैश्याएं रहती हो, भाई का दुश्मन भाई हो, जहां पर पंच अन्यायी हो, गुरु का कोई सम्मान न हो, भगवान का कोई नाम न हो, जिस जगह पर शराब पी जाती हो, तुम इस जगह पर रहो। तो कलियुग कहने लगा, महाराज हाँ बोलो, आपने हमें जगह तो बहुत बता दी। बोले इसीलिए तो जगह बता दी, बड़े आराम धरा। लेकिन का क्या मतलब? बोले ऐसी कोई जगह नहीं बताई जहां हम थोड़ी देर बैठ करके आराम भी कर लेते। तो महाराज परीक्षित के मुंह से ये निकल गया, कलियुग तुम सोना में निवास करो। और जब ये कहा है कि तुम सोने में निवास करो, पृथ्वी अपने भेष में आती है, धर्म अपने भेष में आते हैं, और कलियुग ने सोचा अब हम कहां जाएं? क्या देखा कि महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहने, देर नहीं की, अरे कलियुग छोटो तू भू बनाया।
देखा महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहने हैं तो कलयुग ने देर नहीं की और महाराज परीक्षित के सर पर सवार हो गया। महाराज परीक्षित ने नहीं जाना कि हमारे सर पर कलयुग सवार है। ये अस पर सवार होकर जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए महलों की तरफ चले हैं, लेकिन समझ में एक बात नहीं आती। क्या? भगवान श्री कृष्ण गीता में ये स्वयं कहते हैं कि धातु नाम अस्म कांचनम, यानी धातुओं में सोना मैं हूं। फिर ये कैसे कह दिया कि महाराज परीक्षित के सर पर कलयुग सवार हो गया? कितना भगवान रहते हैं ना, अरे कलयुग तो आ ही नहीं सकता है। एक दूसरा विद्वान ये लिखता है कि जो बेईमानी का सोना होता है उसमें तो कलयुग का ही वास होता है। अब आप लोग ये सोचते होंगे क्या परीक्षित जो मुकुट पहने थे लेकिन हाँ वो कभी लिखता है कि जो परीक्षित मुकुट पहने थे ये मुकुट इनका नहीं था। इनके बाबा भीम जब जरासंध को मार करके आए हैं, उसका मुकुट जब साथ में लेके आए और जिस दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए थे तो उसी मुकुट को पहन के गए थे, और इनके बाबाओं का होता तो शायद ये बच भी जाते। वहां से जब आगे बढ़े महलों की तरफ जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या? सके आश्रम में तब पहुंची गौ मनोज। महाराज परीक्षित जब धीरे धीरे वहां से आगे को बढ़ते हुए गए, लेकिन हुआ क्या? देखा है लोमस ऋषि पद्मासन लगाए बैठे हैं, भगवान के ध्यान में लीन है, लेकिन महाराज परीक्षित के सर पर कलयुग सवार था। और जैसे ही परीक्षित ने देखा तो मन ही मन में एक बात सोची, बाजी हमें देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। अरे मैं कोई काना नहीं हूं, कुरूप नहीं हूं, दुनिया में संतान नहीं, पर मुझे देख के अपने नेत्र बंद काहे को कर लिए? तुमने मेरा अपमान किया। और मन ही मन में महाराज परीक्षित ने सोचा, अरे मानो नाई मेरो जान सन्यासी ले, मानो नाई मेरो जान सन्यासी ले कर दो या पाओ देख करके इतना बड़ा तुमने मेरा अपमान किया, मुझे प्रणाम नहीं किया। और तुमने मेरा अपमान किया है ऐसा लगता है कितने बड़े संत बैठे हैं। सोचा खरीदारो अपमान नाई मेरी इज्जत की नी हम कोया बत देखी बंदया के कर ली नी रे तुम पूरे
किया है परीक्षित ने कि सामने एक मरा हुआ सर पड़ा है। देर नहीं की, एक देखो करिया नांग भूप ने नजरी बढ़ाई, धनुष के बल से उठाए तो गर्दन लटकाई है। परीक्षित ने एक देखो करिया नांग भूप ने नजरी बढ़ाई, धनुष के बल से उठाई तो गर्दन लटकाई रे। तब चल दीनों सतधारी पहुंचो महल में जाई, नाई करी मान अभारी अब मान नाई मेरो जानो सन्यासी रे, मान नाई मेरो जानो सन्यासी रे करी दानो अपहो। महाराज परीक्षित ने क्या देखा है, मरा हुआ सर्प पड़ा है तो धनुष के बल से उस सर्प को उठा करके लोमस ऋषि के गर्दन में डाल दिया। महाराज परीक्षित जब महलों में आए हैं, इन्होंने अपने सर से मुकुट को उतार करके रखा। कलयुग जब दूर हुआ है तो फिर पाप ही पाप चिल्लाने लगे। एक बात सोची, ये मैंने क्या किया, मैंने तो भोले भाले महात्मा का इतना बड़ा अपमान किया, मैं उनके गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल के चलाया। उधर महाराज परीक्षित पछता रहे और इधर लोमस ऋषि के जो पुत्र थे सरंगी ऋषि, उन्हें कुछ बच्चों ने जाके बताया है, महाराज परीक्षित ने तुम्हारे पिता का तो बहुत बड़ा अपमान किया। सरंगी ऋषि जब वहां से आए हैं, अपने पिता के नजदीक पहुंचे हैं, क्या देखा है कि गर्दन में सर्प पड़ा हुआ है। सर्प को दूर हटाया लेकिन इन्हें क्रोध आ गया और जवाब दिया, राजन तुमने मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान किया, तुम राजा हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम महात्माओं का अपमान करो, और तुमने मेरे पिता का अपमान किया है तो मेरे पिता के गर्दन में ये मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। कोई बात नहीं, अभी तो ये तक्षक मरा हुआ है लेकिन ये मरेगा नहीं, श्राप देने लगे राजन। मतलब ये तो नहीं है कि तुम महात्माओं का इतना बड़ा अपमान करो और तुमने मेरे पिता का अपमान किया। कोई बात नहीं, अभी ये तक्षक मरा हुआ है लेकिन मरेगा नहीं। बोले कि तुम महात्मा का अपमान करो और जब उन्होंने श्राप दिया है तो लोमस ऋषि के नेत्र खुल गए, जवाब दिया, बेटा ये तुमने क्या किया, तुमने तो भोले भाले राजा को श्राप दे दिया। सरंगी ऋषि कहने लगे, पिताजी आपको नहीं मालूम है, वही राजा तुम्हारी गर्दन में ये मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। जवाब दिया है, इसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं था। क्या मतलब, सर्प परीक्षित ने डाला तो किसी और का था। बोले हां, परीक्षित के सर पर कलयुग सवार था और इसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं। अब तुमने श्राप दिया है तो श्राप को वापस तो नहीं लिया जा सकता है, इसलिए तुम ऐसा करो, महाराज परीक्षित के पास में खबर भेज दो तो वो कोई ना कोई उपाय जरूर सोच ले। कुछ बच्चों को बुला करके महाराज परीक्षित के पास में जब भेज, और परीक्षित को जब ये कहा है, तुम जो महात्मा के गर्दन में सर्प डाल करके आए भाई, तक्षक तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी जिंदगी केवल सात ही दिन की है, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती है, इस रंगी ऋषि ने श्राप दिया है। महाराज परीक्षित ने जब ये सुना
तो ऐसा मालूम पड़ा जैसे पैरों के तले जमीन खिसक गई हो। एक बात सोची है कि मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मरते तो सब है, और दुख केवल इस बात का है अगर हमें तक्षक ने डस लिया तो फिर हमें तब तक जन्म नहीं मिलेगा जब तक मेरी उम्र पूरी नहीं हो जाती। उधर महाराज परीक्षित सोच में पड़े हुए और उधर कुछ महात्माओं ने सुना है तो परीक्षित के नजदीक आए, बोले आप हमारे साथ में चलो और हम तुम्हें श्री सुखदेव जी के पास में लेके चलेंगे। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है वो कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। तो महाराज परीक्षित जो थे छोड़ी न बलदे नारे और आगे बड़ो भूप बलदारी। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा, मोबाइल नंबर 9719111452।